में दोनों बाइक सवारों की हुई है मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेस की एक घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अलीगढ़ से एक खबर, हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो चुकी है। जबकि अगर इस दौरान बात की जाए तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इस हादसे की अगर बात करें तो थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेस की एक घटना। भाजी क्या नाम है आपका? राजेश। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था जिनको। बाइक पर थे क्या? हाँ बाइक पे थे। कहाँ जा रहे थे? वृंदावन जा रहे थे दोनों, साथ ही थे एक ही बाइक पे। दोनों भाई हैं आपस में? हाँ मामा फूफी के हैं। आपको कैसे जानकारी हुई एक्सीडेंट हुआ? फोन गया था ये पुलिस का। पुलिस ने किया? हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं भाजी? सादरा। सादरा दिल्ली के रहने? हाँ मोजपुर। ये बाइक पर अपने भाई के साथ सवार होकर वृंदावन जा रहे? हाँ जी। कुछ पता चला बाबूजी कौन सा वाहन था? ये नहीं पता। ये बाबूजी आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ईश्वर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली में ही रह रहे हैं आज। ये जो मृतक है कौन है? ये मेरा बेटा है। और जो दूसरे है? वो भांजा। भांजा क्या नाम है आपके बेटे का? अनुज। अनुज। और जो दूसरे हैं उनका? उनके उसका अरुण। उनके पिताजी का क्या नाम है? अरुण के? राजेश। राजेश। तो क्या हादसा कैसे हो गया? बस रात को हुआ हादसा। तो ये जी ये जा रहे थे वृंदावन, दर्शन के लिए जा रहे थे? हाँ जी, वो दर्शन करने के लिए जा रहे बाइक पे थे। बाबूजी पता लगा कुछ किस वाहन ने इनको टक्कर मारी, क्या हुआ? कोई पता नहीं लगा। एक्सीडेंट मालूम हुआ कहाँ हुआ है? ये जेवर टप्पल के आसपास हाईवे पर। हाईवे यमुना हाईवे। आप तक सूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेंद्र मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अगर बात की जाए तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस ने तो जो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके और बाइक को आने पहुंचा कर जांच पड़ताल शुरू कर दी किस अज्ञात वाहन ने मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर काफी तेजी से वाहन चलते हैं, जिसकी वजह से वहां जो छोटे वाहन है उनके एक्सीडेंट की संभावना लगातार बनी रहती है। जिस तरह से ये अनुज और अरुण नाम के दो भाई थे, ये वृंदावन दर्शन करके लौट रहे थे, तो उस वक्त जो कहते हैं हादसा हुआ, पता नहीं किसने उस वाहन को, किस वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। अब अगर कहीं सीसीटीवी कैमरे में वाहन चालक का फोटो मिलेगा तो उनका पकड़ना संभव है, नहीं तो काफी मुश्किल काम है। लेकिन ये बड़ी दर्दनाक घटना की दो जो मतलब रिश्ते के भाइयों की जो है मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।